हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जी गॉसिप टीवी। आई होप यू आर वेरी वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी के हैंडसम हंक पल्लवी पुरी के बारे में, जो कि अपनी शानदार एक्टिंग से टीवी ऑडियंस के फेवरेट बने हुए हैं। पल्लवी पुरी ने अपने करियर की शुरुआत सपोर्टिंग रोल से की थी और उसके बाद वो कई सारे सीरियल के लीडिंग फेस बने और उनके साथ अलग अलग एक्ट्रेस ने काम किया। आज हम पल्लवी पुरी के साथ रैंकिंग देके बताएंगे कौन कौन सी एक्ट्रेस को लोगों ने कितना पसंद किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं नंबर 9 से, उनके पहले सीरियल दिल की नज़र खूबसूरत से, जहां पर्ल एक स्पोर्टिंग रोल में थे और उनकी पेयरिंग शीतल दामोदकर के साथ थी, जो उनकी वाइफ का करेक्टर प्ले कर रही थी। बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 8 की, जहां इनका शो नागार्जुन एक योद्धा में, जहां पल्लवी पुरी के साथ पूजा बैनर्जी की जोड़ी दिखाई दी थी, जिसमें अर्जुन और नूरी की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। इन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक सीन दिखाए गए थे जो लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। और साथ में बात करते हैं पर्ल और करिश्मा की पेयरिंग की। करिश्मा तन्ना के साथ पर्ल ने दो सीरियल किए, नागार्जुन एक योद्धा और नागिन 3। इन दोनों ही सीरियल में करिश्मा को पर्ल के लिए प्रोजेसिव दिखाया गया, और जहां नागार्जुन में करिश्मा और पर्ल की सीजनिंग केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। नंबर 6 पे आते हैं और बात करते हैं बेपनाह प्यार की, जिस सीरियल में पर्ल और अपर्णा दीक्षित की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। सीरियल में अपर्णा पर्ल जाने की रणवीर की मर चुकी पिछली वाइफ बानी के करेक्टर में प्ले करती हैं और उनके सीन्स भी फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं, पर इनके जितने भी सीन्स आपस में थे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। नंबर 5 पे आते हैं और इस नंबर पे आता है पर्ल का सीरियल ब्रह्म राक्षस 2। इस सीरियल में पर्ल के साथ निकी शर्मा की जोड़ी थी और सीरियल में जे अंगद और कालिंदी के लीडिंग करेक्टर में थे। बेशक ये सीरियल सुपर नेचुरल पावर पे ऊपर आधारित था, पर इस सीरियल में भी इन दोनों के क्यूट और रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते थे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। नंबर 4 पे चलते हैं और इस नंबर पे आते हैं मेरी सासू माँ सीरियल में पर्ल और हिबा नवाब की जोड़ी, जे दोनों एक मिडिल क्लास पति पत्नी की जोड़ी में दिखाई दी थी और इनके बीच काफ़ी सारे रोमांटिक सीन दिखाए गए थे, जो कि इतने शानदार थे कि बाहर ऑडियंस ने और मीडिया ने इनके रिलेशनशिप की खबरें छापनी शुरू कर दी थी, पर बाद में इन दोनों ने इसके लिए इन डिनाई किया। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तीसरे नंबर पे आती हैं बेपनाह प्यार सीरियल में पर्ल और इष्टा दत्ता की पेयरिंग, जे दोनों ही सीरियल में रणवीर और प्रगति के पेयरिंग जोड़ी में दिखाई दिए थे और इन दोनों के भी सीरियल में काफ़ी सारे रोमांटिक और इमोशनल सीन थे जो लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे, इसलिए इस जोड़ी को नंबर 3 की जगह मिली है। बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है पर्ल का पहला लीडिंग सीरियल फिर भी ना माने बदतमीज दिल। इस सीरियल में रणवीर और मेहर की लव स्टोरी दिखाई गई थी, जो कि डिवोर्स होने के बाद काफ़ी सालों के बाद फिर से मिलते हैं और इन दोनों के बीच फिर से प्यार हो जाता है, और इन दोनों के हेट और लव सीन ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और ये यूथ ऑडियंस में फेवरेट सीरियल बन गया था। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि पर्ल के साथ उनकी बेस्ट जोड़ी जो कि थी नागिन 3 में बेला और माहिर की जोड़ी, जहां इनके ऑपोजिट बेला के करैक्टर में थी सुरभि ज्योति, जहां लोगों को इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सीरियल में सुरभि ज्योति यानी कि बेला अपना इंतकाम लेने के लिए माहिर से शादी करती है और उनकी नफरत उनके लिए प्यार में बदल जाती है, जहाँ इनके बीच काफ़ी सारे रोमांटिक सीन दिखाए गए जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और इनकी जोड़ी लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गई। ये थी पल्लवी पुरी के साथ 9 अलग अलग एक्ट्रेस की जोड़ी जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। आप इनमें से सबसे ज़्यादा पर्ल की जोड़ी किस एक्टर के साथ अच्छी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।